नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ अब खबरें विस्तार से। उमरियापान मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत भीमरखेड़ा में 47 जोड़े वर वधुओं ने विवाह कर एक दूसरे का हाथ थामा। इस दौरान दो मुस्लिम जोड़ों का निकाह भी हुआ, जबकि एक दिव्यांग जोड़ा भी शामिल रहा। सभी जोड़ों को शासन से प्राप्त सामग्री और आशीर्वाद देकर विदा किया गया। जिला पंचायत सदस्य कविता राय, समाज सेवी पंकज राय ने सभी वर वधुओं को अपनी तरफ से उपहार देकर उज्जवल भविष्य की कामना किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, अधिकारी कर्मचारी, ग्रामीणों और वर वधुओं के नाते रिश्तेदार व परिजन शामिल रहे। कार्यक्रम के बीच जिला पंचायत सदस्य कविता पंकज राय और प्रिया सिंह ने सामूहिक विवाह में अव्यवस्था को लेकर प्रशासन और समिति सदस्यों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जिला पंचायत सदस्य ने कहा कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पहुंचे वर वधुओं और उनके परिजनों को भोजन और पीने के पानी की उचित व्यवस्था नहीं रही, लोगों को बैठने के इंतजाम भी नहीं रहे, अधिकतर महिला पुरुष जमीन पर बैठे रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रमुख अधिकारी मौजूद न रहकर सिर्फ फोटो खिंचाए और कार्यक्रम स्थल से नदारद रहे। कार्यक्रम में गनियारी निवासी पूजा श्रीवास और दीपक श्रीवास को विवाह के बाद पूरी सामग्री भी नहीं मिली। रिपोर्टर राजेंद्र कुमार चौरसिया, भीमरखेड़ा, कटनी। जी भिड़ारी, भिड़ारी। अच्छा, तो ये क्या समस्या है आपकी? यहाँ पर कुछ सामान हमको कम मिला है। जैसे कि बर्तन का एक सेट हो गया जी, और दूसरा वो गद्दा रजाई कहलाया, और एक और तकिया किया वगैरह, ऐसे कुछ करके है। तीन आइटम कम मिला है बस। और आपको और क्या समस्या यहाँ समझ में आई? और पूछ के बता रहा हूँ। आज 13 मार्च को भीमरखेड़ा में शुरू का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, और इस कार्यक्रम में सारे जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और सारे अधिकारीगण, सारे पूरे क्षेत्र के वासी सम्मिलित हुए। सारे जिला पंचायत सदस्य, सारे अधिकारीगण जो है उपस्थित रहे। और चूंकि ये भीमरखेड़ा में, मेरे को ये लगा कि छोड़ यहाँ पे जो अव्यवस्था थी, टेंट जो है वो थोड़ा एक बार फिर काट लेना ना, जगह की कमी थी और भोजन और पानी की थोड़ी अव्यवस्था थी। चूंकि व्यक्ति बहुत दूर से आता है, सुबह से निकला है, थोड़ा सा अव्यवस्था थी। चूंकि क्षेत्र का कार्यक्रम बड़े रूप में, अरे यार क्या, पूरे नव विवाहित दंपति को एक छोटा सा, हाँ छोटा सा क्या बोलते हैं, छोटा सा एक गुप्तदान दिया गया। और मेरी तरफ से सारे नव दंपतियों को आशीर्वाद कि वो हमेशा खुश रहे। और बस मेरी सभी कन्या विवाह योजना सामूहिक विवाह, इसमें सम्मिलित हुए सभी तहसील भीमरखेड़ा में, और सभी जोड़ियों को मेरी तरफ से बधाई एवं शुभकामनाएं। हाँ थी यहाँ मतलब पानी की व्यवस्था होना चाहिए था, सब लोग दूर दूर से आए हुए हैं, सभी को, सभी के घर वाले, तो उनको व्यवस्था होना चाहिए था खाना पीना की, तो थोड़ा इसमें व्यवस्था की थोड़ा कमी। अगली बार से कार्यक्रम हो तो उसमें